Hello students, I am Arvinda Singh. You are watching a mathematics class on exercise set. So in the previous class, I have already discussed on a definition of set, what are the different types of set are there, okay? So today, I will solve that how to do a set. Now let's see question number one. Which of the following phrases describes a well-defined set? तो इसमें आपको बताया गया कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या उसमें सेट है या नहीं है। मान के चलो कि अगर आपके घर में सारे फैमिली मेंबर हैं, है ना, मम्मी पापा सब कोई हैं। मैं अगर इसमें पूछूंगा कि आपके भाई कौन कौन है, तो आप तो जो आपके भाई होंगे, ब्रदर होंगे, उसी का तो आप नाम लोगे, तो वो किस में आ जाएगा, सेट में आ जाएगा। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर लिखो, क्या लिखा होगा, द पीपल इन योर इमीडिएट फैमिली। तो इमीडिएट फैमिली कौन कौन, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, तो ये क्या होगा, सेट हो गया। ऑल द साइंस स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, अब क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो साइंस के स्टूडेंट्स कौन कौन है, तो आप बोल सकते हो सर ये स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब ये भी किस में आ गए, सेट में आ गए। ओके, अगर मैं कहूँगा कि ऑल ऑन ए स्टूडेंट इन योर क्लास, तो आप किसी बच्चे का नाम लोगे, कोई और किसी दूसरे बच्चे का नाम लेगा, तो एक जन बोल सकता कि नहीं वो ईमानदार नहीं है, वो तो बदमाश है, इस तरह का, तो ये सेट में नहीं आएगा। मीन्स सभी का आंसर जब एक जैसा हो, जब सब सहमत होंगे, तभी हम उसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ओके, सो नाउ लेट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा है, लेट ओ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ये जो ओ है वो सारे क्या है, सेट ऑड नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर में क्या आ गया, देखो आप देख रहे हो 1, 3, 5, 7 and 9। ओके, 1, 3, 5, 7 and 9 ये है ओ। ओके, और ये है आई। आई में क्या लिखा है, सॉरी ई, ये ई है, तो ई में दे दिया है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 and so on। ओके, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है, देखो वन ऐसे, इसमें आपको बोला कि ये जो वन है, क्या वो ओ से बिलोंग कर रहा है कि, देखो ये वन आप ओ में देख रहे हो, यहाँ पे वन लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि वन बिलोंग टू क्या, ओ। ओके, अब आ जाओ, अगर लिखा होगा मान के चलो कि अगर लिखा होगा यहाँ पे माइनस वन, क्या लिखा है, माइनस वन डैश वट ई, तो ई ये हो गया, तो माइनस वन इज बिलोंग टू ई, यहाँ पर तो माइनस वन है ही नहीं, तो मैं लिखूँगा इट डज नॉट बिलोंग टू ई। अब देखो यहाँ पे लिखा है 28, क्या लिखा है, 28 बिलोंग टू ई, क्या 28 ई से बिलोंग करता है, तो आप देखो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 करके लिखे, तो यहाँ पर 28 आएगा, तो मैं लिखूँगा यस 28 बिलोंग टू ई। ओके, अगर सपोज लिखा होगा 0.1 बिलोंग टू दिस, अभी 0.1 है, 0.1 का मतलब 1/10, जबकि पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे दोनों जगह क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसलिए ये 0.1 डज नॉट बिलोंग टू वन। ओके, ये वेरी क्लियर हो गया। अब इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें कहा है कि x=x2n, तो n belong to capital letter n, n means what, capital letter means natural number, तो ये जो 2n है, आपको पता चल गया कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है 2n और n belong कर रहा है natural number, तो आप देखो natural number begin from 1, 2n का मतलब है 2 into 1, तो 2 1 जा 2, तो 2 into n 2 2 जा 4, है ना, 2 3 जा 6, अगर मैं इसे इंटू करते जा रहा हूँ, तो मेरे पास 2, 4 से इस तरह का बढ़ते जा रहा है नंबर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ई है, ये हमारा क्या है, मैं लिखूँगा सेट ऑफ व्हाट, ऑल इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, और ये ओ है, यहाँ पर लिख रहे हो 2n-1, अगर देखो यहाँ पर जो भी आंसर माइनस वन कर दो, 1 आएगा, इसको इसे आएगा 3, ये आएगा 5, माइनस वन करोगे, तो इसमें कैसे लिखोगे, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट आ जाओ,
यहाँ पे आपको बोला कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, आपको किसमें चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है। अब देखोगे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन व्हाट, 6। तो मुझे नेचुरल नंबर लिखना है जो 6 से क्या हो, लेस हो, कम हो। तो कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारा आंसर आ गया रोस्टर फॉर्म में। ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्स इक्वल टू एक्स इज अ वॉवल वर्ड, अगर आपका वॉवल वर्ड दिया है तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, देखो इज ए वॉवल इन द वर्ड अम्ब्रेला। सो नाउ इन दिस वेज यू हैव टू फाइंड आउट विच लेटर इज द वॉवल हियर, तो यू हैव टू राइट हियर बी और सी, व्हाट एवर यू वांट। ओके, तो यहाँ पे वॉवल साउंड क्या आ गया, यू आ गया, और क्या आ गया, ई आ गया, और क्या आ गया, ए आ गया। अगर सपोज इफ देयर इज रिपीटेशन ऑफ ए, अगर ए बार बार रिपीट हो रही है तो वी हैव टू राइट ओनली वन। ओके, हम एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे करके आप ये सब करोगे। नेक्स्ट आज रिजल्ट द फॉलोइंग सेट यूजिंग ए सेट बिल्डर मेथड, इसमें आपको सेट बिल्डर मेथड में बनाना है। तो सेट बिल्डर मेथड कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो 2, 4, 6, 8 एंड 10, 10 तक जाके ख़त्म हो गया। अब देखोगे मैं तो इसको मल्टीपल ऑफ 2 भी बोल सकता हूँ, है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि द, कैसे लिखूँगा मैं इसको, सेट बिल्डर, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन, मैं 12 लिख सकता हूँ। अगर मैं लेस देन इक्वल टू लिखना चाहूँगा, लेस देन इक्वल टू, जिसको हम लोग इसका निशान, ये जो वर्ड मैंने लिखा इसको मैं लेस देन इक्वल टू 10 भी लिख सकता हूँ। ओके, अगर मैं सिर्फ लेस देन लिखूँगा फिर यहाँ पर क्या लिख दूँगा, लेस देन व्हाट, 12। क्लियर हो गया, तो इस तरह से आप इसको भी, इसी तरह से आप इसको क्या बनाओगे, सेट बिल्डर फॉर्म बनाओगे। तो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। तो होप यू विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, हैव